पापा की कहानियाँ मस्ती में बोलो। आज पेपा और उसके दोस्त गो कार्ट ट्रैक पर है। सभी को मेरा नमस्ते। कौन कौन गो कार्ट दौड़ के लिए तैयार है? मैं। पेपा और उसके दोस्तों ने अपना रेस सूट पहन लिया है। मेरा पसंदीदा रंग लाल है। और अपनी सुरक्षा हेलमेट मत भूलना। आप अपना गो कार्ट चुन लो। ये। डैनी डॉग ने अपना हेलमेट उल्टा पहन लिया है। आप गो कार्ट चलाने के लिए पेडल्स का इस्तेमाल करेंगे और रोकने के लिए ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे और स्टीयरिंग व्हील से गो कार्ट को घुमाने में मदद मिलती है। ये बाइक चलाने जैसा ही है। तुम सब इसे चला कर देखो। चलो धीरे धीरे पेडल मारना शुरू करो। मैं हमेशा बड़ी सी कार चलाती हूँ। मेरे लिए गो कार्ट आसान होगा। अरे रे, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही तेज चला रही थी। अब मैं इसे कैसे मोड़ूं? गो कार्ट रेस शुरू हो गई है। ये तो मजेदार है। लेकिन सूजी शीप पेडल पीछे की ओर चला रही है। पेडल को आगे चलाने की कोशिश करो सूजी। आगे? डैनी डॉग बहुत तेजी से पेडल चला रहा है। ब्रेक का इस्तेमाल करना ना भूलना डैनी। मम्मी पिग को अपना गो कार्ट चलाने में दिक्कत हो रही है। चलो देखते हैं। इससे ये पीछे की तरफ जाता है। क्या आपको मदद चाहिए मम्मी पिग? ओ नहीं, शुक्रिया मिस रैबिट। मुझे यकीन है मैं कर सकती हूँ। मेरा गो कार्ट बहुत हिल रहा है। पेपा पूरे रेस ट्रैक पर गाड़ी चला रही है। अपनी स्टीयरिंग व्हील को धीरे घुमाओ पेपा। ज्यादा बेहतर। पेपा और उसके दोस्तों को अपने गो कार्ट में रेस ट्रैक के चक्कर लगाना पसंद है। चलो चले। और आखिरकार मम्मी पिग ने अपना गो कार्ट चला लिया है। समय समाप्त। सभी ने बहुत बढ़िया किया। अरे वाह! लेकिन गो कार्ट रेस खत्म हो गई है। पेपा और उसके दोस्तों को गो कार्ट रेसिंग काफी पसंद आती है। पेपा और उसकी फैमिली कार में बाहर जा रही है। पर उन्हें थोड़ी मुश्किल आ रही है। अरे बाप रे, कार स्टार्ट ही नहीं हो रही। आपकी गाड़ी बिगड़ गई है। परेशान ना हो, मैं आपको गैरेज ले जाऊंगा। मैं यूं गया और यूं आया। मिस्टर बुल कार को ठीक करवाने के लिए उसे खींच कर ले जा रहे हैं। जॉर्ज और पेपा को खींचा जाना पसंद है। अरे रे, समझ गया। सुनिए, हम इसे ठीक कर सकते हैं। अच्छा। पर हमें नया पुर्जा मंगवाना पड़ेगा और ये काम ना ही आसान है ना ही सस्ता। अरे रे, इसमें कितना समय लगेगा? जितना टाइम लगना है उतना तो लगेगा ही। लेकिन मैं काम पर कैसे जाऊं? जब तक आपकी गाड़ी ठीक हो रही है आप कोई भी गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए मेरे साथ। गैरेज में काफी एक्स्ट्रा कार्स है। अपनी मनपसंद चुन लीजिए। एक मोटर बाइक, ये तो बेहतरीन है। चलो इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं। डैडी पिग को मोटर बाइक चलाना अच्छा लगता है। हेलो। लेकिन मोटर बाइक पर आप बारिश में भीग जाते हैं। शायद हमें कोई और जबरदस्त चीज चाहिए। चलिए इसे आजमाते हैं। पेपा को एक मॉन्स्टर ट्रक मिला है जो बहुत जबरदस्त है। ओ, 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 ओ,
मुझे लगता है कि यह मॉन्स्टर ट्रक हमारी जरूरत से कुछ ज्यादा ही जबरदस्त चीज है। माफ कीजिएगा। किसी अच्छी और बड़ी चीज के बारे में क्या ख्याल है? जैसे बस। मम्मी पिग को बस बहुत पसंद है। ये बस कितनी बड़ी है और कितनी शांति है यहाँ। अरे रे। लेकिन सभी को लगता है कि ये असली बस है। पेपा और उसकी फैमिली के पास अब एक ही कार बची है ट्राई करने के लिए। इससे बदबू आ रही है क्योंकि ये मेरी रिसाइकल इकट्ठा करने वाली लॉरी है। माफ कीजिएगा, आप इसे नहीं ले जा सकते। मुझे नहीं लगता कि हमें हमारी कार की तरह कोई बेहतरीन कार मिल पाएगी। आप तो लकी हो, आपने नई कार चुनने में इतना समय लगाया कि हमने आपकी पुरानी कार को ही ठीक कर दिया। शुक्रिया मिस्टर बुल, शुक्रिया ग्रैंडडैड डॉग। पापा की फैमिली को अलग अलग कार चलाना अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें अपनी फैमिली कार चलाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। ग्रैंडपा जॉर्ज, आप कहाँ हो? आज पापा जॉर्ज और ग्रैंडपा पिग के साथ बगीचे में खेल रही है। वो शोर कैसा है? आपको ढूंढ लिया। पापा को जॉर्ज और ग्रैंडपा पिग एक झाड़ी में मिलते हैं। यहाँ बहुत आरामदायक लग रहा है। हाँ, मुझे बचपन वाले बगीचे की मांद की याद आ गई। यहाँ बगीचे में मांद बना सकते हैं ग्रैंडपा? हाँ बेशक। अरे वाह। बगीचे को मांद बनाने के लिए सभी ने बागवानी वाले खास दस्ताने और जूते पहने हुए हैं। पहले हमें इन स्पेड से गड्ढा खोदना होगा और खूब सारी लकड़ी और टहनियां लानी होगी। पापा को ग्रैंडपा पिग के साथ गड्ढा खोदना बहुत अच्छा लगता है। शाबाश पापा। और जॉर्ज को टहनियां इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है काफी टहनियां हो गई है। शाबाश जॉर्ज। अब ग्रैंडपा पिग छेद में टहनियों को ठोक रहे हैं। सभी पीछे खड़े हो जाओ। अंत में ग्रैंडपा पिग लकड़ी से छत बनाते हैं और पेपा और जॉर्ज ढेर सारे पत्तों से छत को ढक देते हैं। हमें पत्ते क्यों चाहिए ग्रैंडपा? उनसे मांद अच्छी और गर्म रहती है, सुरक्षित और बढ़िया लग रही है। शाबाश। अरे वाह। अंदर जाने से पहले हमें इसकी जरूरत पड़ेगी पेपा। ग्रैंडपा पिग ने पेपा को एक खास बैकपैक दिया है। सभी अपनी नई बगीचे वाली मांद में बहुत खुश है। ग्रैंडपा, हम बगीचे के मांद में क्या करते हैं? मांद में मेरा पसंदीदा काम है पिकनिक मनाना। खास बैकपैक बगीचे के फलों से भरा हुआ है। पेपा और जॉर्ज को गार्डन डेन में पिकनिक मनाना बहुत अच्छा लगता है। पेपा, जॉर्ज, तुम कहाँ हो? आज पेपा और जॉर्ज ग्रैनी और ग्रैंडपा पिग के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं। लगभग हो गया। पेपा पहली बार पिकनिक के पैकिंग की जिम्मेदारी संभाल रही है। क्या तुम ठीक हो पेपा? ये सारे खिलौने पिकनिक के लिए ले जाने हैं, लेकिन वो इसमें नहीं आ रहे। क्या तुम्हें अपने सारे खिलौने चाहिए? समझ गई, मैं इनकी जगह बस टेडी को ले जाती हूँ। और डायनासोर। शानदार। अगर हम तुम्हारे सारे खिलौने ले जाएंगे तो हमारे पास खाने के लिए जगह नहीं बचेगी। पिकनिक के लिए तुम कैसा खाना बनाना पसंद करोगी पेपा? ओह, चलो स्पगेटी बनाते हैं। मुझे स्पगेटी पसंद है। पिकनिक के लिए स्पगेटी उतना भी अच्छा खाना नहीं है। सैंडविच कैसा रहेगा? मुझे भी सैंडविच बहुत पसंद है। तुम्हें किस तरह का सैंडविच पसंद है? चार।
पेपा, जॉर्ज और ग्रैनी पिग जैम सैंडविचेस बना रही है। क्या हमें पिकनिक के लिए कुछ और चाहिए पेपा? हमें पिकनिक के लिए आरामदायक कंबल चाहिए, क्या आप ला सकते हैं ग्रैंडपा? अभी लाया पेपा। अरे यार, जैम सैंडविचेस बनाने में काफी उथल पुथल मच जाती है और उथल पुथल को साफ करने में और भी उथल पुथल मच गई है। कोई बात नहीं, अगर जैम ना गिरे तो जैम सैंडविच कैसे बनेगा? पेपा की सैंडविचेस तिकोन है, हो गया। और जॉर्ज की डायनासोर है। कंबल रख लिया। क्या हमें कुछ और चाहिए पेपा? हमें अपने ऑरेंज जूस के लिए कप्स चाहिए। शाबाश पेपा, लगता है हम जाने के लिए तैयार हैं। इसमें बहुत मजा आने वाला है। अरे यार, बारिश हो रही है। बारिश में पिकनिक उतनी मजेदार नहीं लगती। लगता है हमें आउटडोर पिकनिक के लिए इंतजार करना होगा पेपा। लेकिन क्यों ना हम इसकी जगह इंडोर पिकनिक मनाएं? पेपा ने तय किया कि वो अपने घर में पिकनिक मनाएगी। अब हम कभी भी पिकनिक मना सकते हैं, चाहे बारिश हो रही हो तभी भी। और मैं अपने सारे खिलौने ला सकती हूँ। पिकनिक! सभी को पेपा की पिकनिक बहुत अच्छी लगती है और पेपा को उनके लिए पैकिंग करना बहुत। पेपा और उसके दोस्त सी सॉ पर खेलने जा रहे हैं। रुको! क्या कोई परेशानी है मिस्टर बुल? बस सी सॉ की मरम्मत कर रहा था डैडी पिग। लो, अब ये बिल्कुल सुरक्षित है और इस्तेमाल के लिए तैयार है। पेपा को सी सॉ पर खेलना बेहद पसंद है। क्या आप मेरे साथ खेलेंगे मिस्टर बुल? मजा आएगा। मैं? क्यों नहीं, आखिरकार ये ठीक हो गया है और तैयार है। वाह, मजा आ गया। लेकिन अब तुम नीचे कैसे उतरोगी? आपको ऊपर जाना होगा ताकि पापा नीचे आ सके। ओह, ऐसे? मिस्टर बुल सीसो पर नीचे की साइड फंस गए हैं। मिस्टर बुल बड़े हैं और पेपा छोटी सी है, इसलिए सीसो बैलेंस नहीं हो पाएगा। पेपा की तरफ से कुछ भारी चीज होनी चाहिए। क्या बात है, तुम्हें ये कैसे पता? मैं समझदार हूँ। चलो ठीक है। पेपा की बैकपैक से उसका वजन बढ़ जाएगा। ऊपर 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 ऊपर। हम बादलों की तरह ऊंचे हो गए हैं। मिस्टर बुल अभी भी फंसे हुए हैं सीसो की नीचे की साइड पर। मुझे लगता है नीचे रहने में भी बहुत मजा है। कितना शानदार नजारा है घास का। हमें एक बड़े की जरूरत है मिस्टर बुल के साथ खेलने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि हमें एक और बड़ा व्यक्ति कहाँ मिलेगा। आप बड़े हैं डैडी। अरे हाँ, मैं तो हूँ। मैं आपके साथ खेलूंगा मिस्टर बुल। डैडी पिग और मिस्टर बुल दोनों ही बड़े हैं, जिसकी वजह से सीसो बैलेंस हो गया है और ऊपर और नीचे जा रहा है। रुको! क्या आपको मजा नहीं आ रहा मिस्टर बुल? मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, मैं तो बस नजारा देखना चाहता था। ओकी डोकी, चलो चलते हैं ऊपर आसमान में। हेलो सूरज, हेलो घास, हेलो बादल, हेलो पेपा। हेलो। ध्यान से। आज पेपा और उसके दोस्त वाटर पार्क में हैं।
हेलो बच्चों। हेलो मिस्टर रैबिट। आप लोग स्विमिंग जाओ, इसके पहले मैं आपको कुछ जरूरी नियम सिखाना चाहूंगी। मिस रैबिट सभी को स्विमिंग पूल में सुरक्षित रहने के तरीके बता रही है। पहला नियम है कोई छींटाकशी नहीं। छींटाकशी ना करें मिस्टर बोल। ओह सॉरी पेपा, सॉरी मिस रैबिट। कोई बात नहीं मिस्टर बोल। दूसरा नियम है कोई दौड़ा भागी नहीं। बुरी बात मिस्टर बुल, दौड़ा भागी नहीं। फिर से सॉरी। मिस्टर बुल को कोई भी नियम नहीं पता। और आखिरी नियम है सभी शानदार समय बिताएं। आपका समय शानदार बीते मिस्टर बुल। सही कहा पेपा। पूल के मजे लो बच्चों। हम सबसे पहले क्या करें? चलो वाटर स्लाइड पे चलते हैं। हुरे! हुरे! सभी वाटर स्लाइड राइड के लिए काफी जोश में हैं। हेलो फिर से, कौन स्लाइड से नीचे जाना चाहता है? मैं। तुम लकी हो, हर एक के लिए एक एक स्लाइड है। चलो रेस करते हैं। बढ़िया आइडिया, लकी हो कि मैं झंडा लाई हूँ। ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। और डैनी डॉग सबसे आगे, साथ साथ है पेपा, उसके बाद जिरल जिराफ और सूजी शीप पीछे आती हुई। कोई भी जीत सकता है वाटर स्लाइड रेसिंग अपने बेहतरीन पड़ाव पर। हेलो ग्रैनी। हेलो मिस्टर बॉय। वो करीब करीब फिनिश लाइन पर है। ये कांटे की टक्कर है, कौन करेगा टॉप? ये टाई हो गई, सभी जीत गए। पेपा और उसके दोस्तों को स्लाइड बहुत पसंद आई, लेकिन वाटर पार्क का पहला नियम वो भूल गए हैं। कोई छींटाकशी नहीं। आज पेपा को उस समय का वीडियो मिला है जब वो छोटी बच्ची थी। मैं बहुत शोर शराबा करने वाली बच्ची थी, है ना डैडी? हाँ, कभी कभी सारे बच्चे ऐसा करते हैं। ये तब का होगा जब मैं प्रेग्नेंट थी और जॉर्ज पेट में था। प्रेग्नेंट? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये उस समय मेरे पेट में था। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। क्या कर रही हो पेपा? देखिए, अब मेरे पेट में भी एक बेबी है। बहुत अच्छे पेपा। अब जिनके पेट में बेबी होता है वो लोग क्या करते हैं? मुझे खूब सारी मजेदार इच्छाएं होती थी, जो तब होती है जब आप वाकई कुछ खास खाना चाहते हैं। वाह, पेपा भी मजेदार इच्छाएं दिखाने का फैसला करती है। मैं भी वाकई खाना चाहती हूँ स्पेगेटी। पेपा को लगता है कि खाने की इच्छाएं तो जायकेदार है। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। जब आपके पेट में बेबी था तो और क्या क्या होता था मम्मी? वैसे मैं काफी थक जाती थी तो भले लोग मुझे अपनी सीट ऑफर करते थे ताकि मैं जरूरत पड़ने पर बैठ सकूं। हेलो पेपा। मेरे पेट में एक बेबी है और मैं बहुत थक गई हूँ, तो आपको मुझे अपनी कुर्सी देनी होगी प्लीज डैडी। अच्छा ये लो। और जब कभी मेरे पैरों में दर्द होता था तो डैडी पिक मेरे पैरों की मालिश करते थे। पेपा को पैर की मालिश का आइडिया अच्छा लगा।
डैडी मेरे पैर में दर्द है तो मुझे पैर की मालिश करवानी है प्लीज। ओह अच्छा ये लो अभी करता हूँ। डैडी पिग की पैर की मालिश मालिश कम और गुदगुदी ज्यादा लगती है। ओ, वैसे एक और चीज हुई थी जब मम्मी पिग प्रेग्नेंट थी। वो क्या थी? आखिरकार नन्हा सा बेबी आया। आंटी पिग बेबी अलेक्जेंडर के साथ मिलने आई है। हाय बेबी अलेक्जेंडर, मैं ऐसा नाटक कर रही थी कि मेरे पेट में बेबी है। अब हम ऐसे दिखाएंगे जैसे वो बेबी तुम हो। वैसे असली बेबीज काफी शोर करते हैं तो मुझे लगता है मैं इसकी जगह कुशन रख लेती हूँ। आज पेपा ग्रैंडपा पिग के बगीचे के फूलों के मजे ले रही है। सदा खुश रहो पेपा। ये पीली चीजें क्या है ग्रैंडपा पिग? इसे कहते हैं पराग। बम्बल बीज इसे बगीचे में ले जाती है और फूलों की बढ़त में मदद करती है। थैंक यू छोटी बम्बल बी की मदद करने के लिए। सावधानी से पेपा, बम्बल बीज को हाथ मत लगाना। पर क्यों ग्रैंडपा, ये कितनी रंगीन और प्यारी है। क्योंकि तुम काफी बड़ी हो और बम्बल बी काफी छोटी है, इसलिए शायद वो डर जाए। और जब बम्बल बी डर जाती है तो वो डंक मार सकती है। सचमुच? हाँ, इसलिए तुम्हें उनसे काफी नरमी से पेश आना चाहिए और उन्हें काफी जगह देनी चाहिए। कुछ लोगों को इनके डंक से एलर्जी भी हो सकती है। पेपा नहीं जानती कि अब उसे बम्बल बीज पसंद है या नहीं। पर बम्बल बीज दुनिया के लिए मददगार और दयालु भी होती है। इन्हीं की वजह से तो हमें शहद मिलता है। मुझे शहद पसंद है। बम्बल बीज छत्ते में शहद बनाती है, जैसे कि ये वाला। क्या मैं देख सकती हूँ? रुको, छत्ते में काफी बम्बल बीज है, इसलिए पहले तुम्हें कपड़े बदलने होंगे। तड़ा, मेरा मतलब है बस बस। पेपा, जॉर्ज और ग्रैंडपा पिग खास तौर पर मोटे कपड़े पहनते हैं ताकि उनके सिर, हाथ और शरीर डंक से बचे रहे। बेहतरीन। ग्रैंडपा पिग पेपा और जॉर्ज को अपने बम्बल बी के छत्ते का एक भाग दिखा रहे हैं। वो सारी बीज उस छोटी से घर में रहती है। हाँ, ये यहीं पर तो जायकेदार शहद बनाती है। बम्बल बीज खाना इकट्ठा करने और एक दूसरे का बचाव करने के लिए एक टीम की तरह काम करती है। जैसे मैं और जॉर्ज, हम भी है जैसे बम्बल बीज। बीज जो शहद बनाती है उसका क्या होता है? वैसे हम इसे इस तरह से जार में डालते हैं। ग्रैंडपा पिग एक कांच के जार में ताजा शहद इकट्ठा कर रहे हैं। फिर हम लंच के लिए जायकेदार हनी सैंडविच बनाते हैं। ये अब तक का सबसे बढ़िया सैंडविच है। थैंक यू छोटी बी। पेपा को हनी सैंडविच पसंद है और पेपा को बम्बल बीज उनके दयालु कामों की वजह से प्यारी लगती है। हेलो, मैं हूँ राजा पेपा। आज प्ले ग्रुप का एक नया दिन है और सभी ऐसा नाटक कर रहे हैं कि पेपा एक राजा है। मैं राजा हूँ और मैं कहती हूँ कि सभी को स्वादिष्ट खाना खाना चाहिए। बेशक मेरे महाराज। राजा पेपा प्ले ग्रुप का राजा होने के मजे ले रही है। उसे स्वादिष्ट खाना वाकई पसंद आ रहा है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ थोड़ी सी किशमिश महाराज। ओ शुक्रिया कैंडी, मुझे किशमिश बहुत पसंद है। लेकिन मेरा पेट काफी भर गया है। क्या मैं राजा बन सकता हूँ अगर आप थक गई हो राजा पेपा? अच्छा आइडिया है, ये लो राजा पेड्रो। अब पेड्रो पोनी प्ले ग्रुप का राजा है। मैं कहता हूँ कि सब लोग
पूछ लो। ऐसा क्यों महाराज? क्योंकि उछलने में मजा आता है। राजा पेड्रो ने सही कहा, उछलने में मजा आता है। बहुत अच्छा उछल रहे हो डैनी। शुक्रिया राजा पेड्रो। हॉप हॉप। किंग पेड्रो, आपने कहा था कि सबको उछलना है, मतलब आपको भी। ओ, सही कहा। क्या तुम अब राजा बनना चाहती हो कैंडी? म्याऊं। हाँ बिल्कुल। आप कैंडी राजा है। मैं कहती हूँ कि सबको एकदम शांत रहना चाहिए। अब सभी को बोलना है जोर से। शांत हो जाओ। अब जोर से। हर कोई राजा कैंडी और राजा डैनी के नियमों के भरपूर मजे ले रहा है। शांति से। जोर से। अब जॉर्ज राजा है। डायनासोर। राजा जॉर्ज कहते हैं कि सभी को डायनासोर जैसी चीजें करनी चाहिए। सभी को प्ले ग्रुप का राजा बनना पसंद आता है, लेकिन सभी को डायनासोर बनना सबसे ज्यादा पसंद आता है। वाह! आज पेपा और उसका प्ले ग्रुप बग म्यूजियम की सैर पर जा रहे हैं। सब मेरे पीछे आओ। स्क्वीक, बड़े बग्स। इस कमरे में सिर्फ चींटियां ही हैं। यहाँ तक कि यहाँ देखने के लिए रोबोटिक चींटियां भी है। चिंता मत करो, ये असली चींटी नहीं है, ये है बड़ा रोबोट। मुझे रोबोट पसंद है। चींटियां टीम की तरह काम करके अपनी रानी के लिए खाना लाती है। क्या तुम चींटियां बनना चाहोगे? क्या मैं रानी बन सकती हूँ? पेपा के दोस्त चींटियों के साथ दौड़ लगा रहे हैं। उन्हें फोम वाला पत्ता रानी पेपा तक लाना है। बढ़िया। बहुत बढ़िया बच्चों, तुमने टीम में बिल्कुल चींटियों जैसा काम किया। इस कमरे में सिर्फ मधुमक्खियाँ ही है और पहनने के लिए मधुमक्खी के कपड़े भी है। बिल्कुल मधुमक्खी लग रहे हो। क्या तुम मधुमक्खी के छत्ते में अपना रास्ता ढूंढ सकते हो? ठीक है, चलो। सभी को मधुमक्खी बनना पसंद आ रहा है, लेकिन मधुमक्खियों का छत्ता काफी उलझन भरा है। वो खो गए हैं। मधुमक्खी अपना रास्ता तलाशती हैं सूरज को देखकर। बस हम लोग भी सूरज का पीछा कर सकते हैं। सभी असली मधुमक्खियों की तरह अपना रास्ता तलाशने के लिए सूरज का पीछा करते हैं। सभी बढ़िया काम कर रहे हो। आखिरी कमरे के अंदर कुछ बहुत ही खास है। स्क्वीक, ये कितना सुंदर है। लेकिन कोई नहीं जानता कि ये क्या है। अंदर कुछ काफी रंग बिरंगा है। क्या ये तोता है? इसके बड़े पंख हैं। या एक ड्रैगन? और ये हुआ करता था एक कैटरपिलर। ये है तितली।
पेपा और उसके दोस्तों को बड़े से बग म्यूजियम में बग्स के बारे में सीखना। समंदर के किनारे एडवेंचर के लिए कौन कौन तैयार है? पेपा और उसकी फैमिली आज के दिन बाहर जा रहे हैं। अरे रे, मुझे लगता है कि मैं कार में पेट्रोल डालना भूल गई। कोई बात नहीं, चलो बीच पर ट्रेन से चलते हैं। पेपा और उसकी फैमिली समंदर के किनारे जाने के लिए ट्रेन ले रहे हैं। टिकट दिखाइए। हम समंदर के किनारे जा रहे हैं और मम्मी कार में पेट्रोल डलवाना भूल गई। कितना रोमांचक है, मुझे समंदर का किनारा पसंद है। मुझे लगता है कि लंच का समय हो गया है। पापा, चलो खाने के डिब्बे की ओर चले। डैडी पिग और पापा ट्रेन में खाने वाले डिब्बे तक जा रहे हैं। ट्रेन काफी हिलडुल रही है। ये डिब्बा उन यात्रियों के लिए है जो सोना चाहते हैं। ये डिब्बा जरूर उन लोगों के लिए होगा जो ट्रेन में खेलना चाहते हैं। वाह, हाय डैनी, हाय जेरिल। ये शायद सिनेमा वाला डिब्बा होना चाहिए। माफ कीजिएगा। पेपा और डैडी पिग को खाने वाला डिब्बा मिल गया है। ये जरूर उन लोगों का डिब्बा है जो लंच करना चाहते हैं। क्या ये गड़गड़ाहट आपके पेट में हो रही है डैडी? मुझे अफसोस है कि ट्रेन खराब हो गई है। अरे रे, अब हमें बस लेनी होगी। अब पेपा की फैमिली समंदर के किनारे जाने के लिए बस पकड़ने का इंतजार कर रही है। सब चल जाएं। अगला स्टॉप समंदर का किनारा। बस खराब हो गई है। मुझे लगता है फिर से कोई पेट्रोल डलवाना भूल गया। अब हम समंदर के किनारे कैसे जाएंगे? क्यों ना हम पैदल चलें? समंदर का किनारा बस पहाड़ी के नीचे ही है। ये समंदर के किनारे की सबसे अच्छी ट्रिप थी। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम घर वापस कैसे जाएंगे। पेपा और उसकी फैमिली सिनेमा घर में फिल्म देख रहे हैं। मम्मी, मुझे टॉयलेट जाना होगा। ठीक है पेपा, एक बाहर ही है, वहाँ चलते हैं। सुनो, पेपा और मैं टॉयलेट होकर आते हैं। टॉयलेट, बढ़िया आइडिया है। अरे रे, टॉयलेट तो सफाई के लिए बंद किया गया है। लेकिन मुझे जल्दी जाना है। सड़क के उस पार एक पब्लिक टॉयलेट है, सारे मेरे पीछे पीछे आओ। डाइनोसॉर। पेपा और उसकी फैमिली को टॉयलेट मिल गया है। ये रहा टॉयलेट पेपा, कतार में खड़ी हो जाओ। माफ कीजिए, कतार यहाँ से नहीं, शुरू होती है वहाँ से। लेकिन टॉयलेट के लिए कतार बहुत बहुत लंबी है। मुझे नहीं लगता मैं इतनी देर रुक पाऊंगी। सुपरमार्केट में एक टॉयलेट है, चलो वहाँ देखते हैं। पेपा, मम्मी पिग, डैडी पिग और जॉर्ज हर जगह टॉयलेट की तलाश करते हैं। वे सुपरमार्केट में ट्राई करते हैं। वे जू में भी ट्राई करते हैं। सॉरी पेपा, ये टॉयलेट खराब है। यहाँ तक कि वे टॉयलेट शॉप भी ट्राई करते हैं। सॉरी।
लेकिन ये सभी टॉयलेट सिर्फ देखने के लिए ही है। यहाँ कहीं भी कोई टॉयलेट नहीं है। अरे रे, अब मुझे भी टॉयलेट जाना है। मुझे भी। देखो, सिनेमा घर का टॉयलेट फिर से खुल गया। आखिरकार पेपा और उसकी फैमिली फिल्म देखने वापस आ गए। डायनासोर। लेकिन अब फिल्म खत्म हो गई है। ऐसा लगता है कि हमें ये शुरू से देखनी होगी। अब भी बता दो, किसी को टॉयलेट जाना है? पेपा और एमिली एलिफेंट आज बीच पर खूब मजे कर रहे हैं। उन्हें पानी बहुत पसंद है। देखो एमिली, मैं एक मछली हूँ। छप छप छप। मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ पानी में कितनी सारी मछलियाँ हैं पेपा? तुमने ये कैसे किया एमिली? क्या तुमने अपनी सांस रोकी थी? नहीं, मैं अपनी सूंड का इस्तेमाल कर सकती हूँ क्योंकि ये बहुत लंबी है। क्या चल रहा है पेपा? काश मेरे पास भी एमिली जैसी सूंड होती ताकि मैं भी पानी के अंदर सांस लेते हुए मछलियाँ देख पाऊँ। मुझे पता है, मेरे साथ आओ पेपा। टरा! ये लंबी सी ट्यूब तुम्हारे मुंह में जाएगी और इससे तुम पानी के अंदर सांस ले सकोगी। एमिली की सूंड की तरह। बिल्कुल एमिली की सूंड की तरह। तुम्हारी आवाज मजाकिया क्यों लग रही है पेपा? ये मेरी सांस लेने की नली है, इसका मतलब कि मैं तुम्हारी तरह पानी में सांस ले सकती हूँ। देखो। नहीं पापा। ओ पापा, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। सांस लेने की नली ठीक से काम नहीं कर रही और पानी का स्वाद काफी अजीब था। पानी खारा होने की वजह से ऐसा है पापा। तुम्हें सांस नली को अपने होठों से कसकर बंद करना होगा ताकि तुम्हारी मुंह के अंदर पानी ना जाए और तुम सांस ले सको। तुम्हें लंबी लंबी सांसें लेनी होंगी इस तरह। पेपा लंबी लंबी गहरी सांसें लेने की कोशिश करती है। फिर से कोशिश करोगी? ठीक है। सारी रंग बिरंगी मछलियाँ देखी। हाँ, बहुत बढ़िया। और मदद करने के लिए शुक्रिया एमिली। और पानी के खारे स्वाद से छुटकारा पाने के लिए जोर जोर मुझे लगा कि तुम्हें ये देना चाहिए। आइसक्रीम। बेबी अलेक्जेंडर और उसकी फैमिली हैप्पी क्रिसमस बोलने आई है, लेकिन बेबी अलेक्जेंडर बिल्कुल भी खुश नहीं है। बेबी अलेक्जेंडर क्यों रो रहा है? क्रिसमस मजेदार होता है। वैसे बेबी अलेक्जेंडर का पहला क्रिसमस है, उसे नहीं पता ये कितना मजेदार हो सकता है। तब तो ये और भी स्पेशल होना चाहिए। मैं उसे अपनी सारी पसंदीदा क्रिसमस की चीजें दिखाऊंगी। मुझे क्रिसमस डिनर काफी पसंद है। इसमें गाजर, आलू, स्प्राउट्स। नहीं, तुम्हें इसे खाना है, इसे फेंकना नहीं है। चलो कुछ और आजमाएं। टॉफी रैप करना वाकई मजेदार है। आप बुक को ऊपर लगा सकते हैं।
बंद करना होगा ताकि बाकी लोग उन्हें खोल सके। बेबी अलेक्जेंडर को लगता है कि तोहफे रैप करने की बजाय उन्हें खोलने में ज्यादा मजा आता है। मुझे लगता है कि अलेक्जेंडर को क्रिसमस बिल्कुल ही पसंद नहीं। अच्छा, उसे तो तुम्हारे साथ मजा आ रहा है। लेकिन मैं चाहती थी कि ये उसके लिए थोड़ा और खास हो। अपने चचेरे भाई के साथ क्रिसमस बिताना काफी खास है पेपा। पर वो सब गलत कर रहा है। अलेक्जेंडर अभी बस एक बच्चा है, शायद तुम्हें उसे कुछ आसान सी चीजें करने के लिए देनी चाहिए। क्रिसमस बच्चों के लिए? ओह, मेरे पास एक आइडिया है। बेबी अलेक्जेंडर को क्रिसमस के तोहफे पास करने में मजा आ रहा है। थैंक यू अलेक्जेंडर, ये तोहफा मम्मी के लिए। और उसे क्रिसमस क्राफ्ट वाकई पसंद है। बहुत अच्छा किया अलेक्जेंडर। और म्यूजिक भी। What fun it is to ride on a one-horse open sleigh. लेकिन उसे सबसे ज्यादा पेपा के साथ क्रिसमस मनाना पसंद है। अब हमें अलेक्जेंडर का पहला क्रिसमस हमेशा याद रहेगा। आज पेपा और उसकी फैमिली म्यूजियम में है। देखो जॉर्ज, इस डायनासोर की एक बहन, एक मम्मी और एक डैडी है। ये तो डायनासोर की पूरी फैमिली है। पेपा को म्यूजियम पसंद आया, लेकिन अब वो बंद हो चुका है। आने के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे। लेकिन मैं जाना नहीं चाहती। हमें जाने की जरूरत नहीं है पेपा, आज रात हम सब यहीं सोएंगे, यहाँ म्यूजियम में। आज की रात हमें पहली चीज क्या करनी चाहिए? चलो आधी रात की दावत करते हैं। यम यम, सब लोग शुरू हो जाओ। ये संतरा तो काफी सख्त है। आधी रात की दावत का सारा खाना तो प्लास्टिक से बना है। अब अगली चीज क्या करे पेपा? पेपा? मम्मी पिग को पेपा कहीं दिख नहीं रही है। मैं यहाँ हूँ। मैं एक लुटेरा हूँ। मैं एक लुटेरा हूँ। लुटेरा। और मैं एक लुटेरा हूँ। मेरा मतलब है एक ऊनी बालों वाला बड़ा जीव। सभी को ऊनी बालों वाले बड़े जीव से दूर भागकर मजा आ रहा है। लेकिन अब इस भाग दौड़ की वजह से सब थक चुके हैं। मुझे लगता है हमें अभी सोना चाहिए। चलो सोने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढते हैं। सभी को गुड नाइट। अब सुबह हो चुकी है और खूब सारे लोग म्यूजियम में आ चुके हैं। जरा इन लुटेरों को तो देखिए ग्रैंडडैड। कितना शानदार जीव है। ऐसा लगता है जैसे इनमें सच में जान है। सभी को लगता है कि पेपा और उसकी फैमिली म्यूजियम का हिस्सा है। क्या हो रहा है? ये कोई लुटेरा नहीं, ये तो पेपा है। अरे रे, ऐसा लगता है कि हम म्यूजियम में सिर्फ सोए नहीं, जरूरत से ज्यादा ही सो गए।
आज वैलेंटाइंस डे है। पेपा पिग और जॉर्ज मम्मी और डैडी पिग के लिए खास डिनर तैयार कर रहे हैं। ग्रैंडपा पिग मदद कर रहे हैं। अरे रे, आज हम वैलेंटाइंस डे के लिए खास पिज्जा बना रहे हैं ग्रैनी पिग। क्योंकि वैलेंटाइंस डे का मतलब दूसरों को अपना प्यार दिखाना होता है। मुझे पता है, हम दिल के आकार का पिज्जा बना सकते हैं। चलो अब गूंथे हुए आटे को हवा में उछालते हैं, जैसे वो रोम में करते हैं। पता है रोम इटली में है। जैसे रोम में करते हैं। हम बगीचे से सब्जियां लाकर इसे कवर कर सकते हैं। मम्मी और डैडी पिग को नहीं पता कि क्या चल रहा है। पेपा और जॉर्ज सब्जियों को इकट्ठा कर रहे हैं। पिज्जा पर खूब सारी टॉपिंग्स होने वाली है। चलो सब्जियों को अंदर लेकर चलते हैं। पेपा और जॉर्ज अपने पिज्जा पर सब्जियों को डालते हैं। मुझे पता है कि पिज्जा को और खास कैसे बनाया जाए। हम मम्मी और डैडी पिग का पसंदीदा खाना इसमें शामिल कर सकते हैं। बढ़िया आइडिया पेपा। उन्हें क्या खाना अच्छा लगता है? स्पगेटी और चॉकलेट केक। हमें मम्मी और डैडी जैसा दिखने वाला पिज्जा बनाना चाहिए। पेपा और जॉर्ज पिज्जा टॉपिंग से चेहरे बनाते हैं। अब ये वाकई खास है। जॉर्ज। ये रहे आपके एकदम खास वैलेंटाइंस डे पिज्जा। चॉकलेट केक मेरा पसंदीदा। डायनासोर। एक स्पगेटी डायनासोर। धन्यवाद पेपर जॉर्ज। देखने से ही खाने का दिल कर रहा है। मम्मी और डैडी पिग को लगता है कि वैलेंटाइंस डे वाकई बहुत खास रहा है। आज पेपा और उसका परिवार सुपरमार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। गुड बाय सुपरमार्केट। क्या वो रोबोट है? नहीं पेपा, ये एक वेंडिंग मशीन है। हमें खाने पीने की चीजें लेने के लिए इसके अंदर पैसे डालने पड़ते हैं। क्या हम रोबोट से कुछ खरीद सकते हैं प्लीज? ठीक है, हम सब चुन सकते हैं एक एक खास ट्रीट। पेपा रोबोट वाली वेंडिंग मशीन से कुछ खरीदने के लिए काफी उत्साहित है। ये लो पेपा। गुड बाय सिक्के। अब उस चीज का बटन दबाओ जो तुम्हें पसंद हो। मैं पसंद करूंगी संतरे का जूस। ये रहा। अरे वाह, स्वादिष्ट। डायनासोर। जॉर्ज को डायनासोर की बनावट वाला बिस्किट मिला है। अब तुम्हारी बारी जॉर्ज। अब तुम वो बटन दबाओ जिस पर है डायनासोर। मुझे लगता है मैं लूंगा वो वाली ड्रिंक। अरे ये तो फंस गया। डैडी पिग का ड्रिंक सैंडविच के पीछे फंस गया। सैंडविच बीच में आ गया, नटखट सैंडविच। हमें अब सैंडविच भी खरीदना होगा ताकि ड्रिंक भी इसके साथ नीचे गिर जाए। हाँ,
फिर से फंस गया। शरारती अनानास। चलो वो भी खरीद लेते हैं। देखो फिर से फंस गया, फिर से। आखिरकार ऊपर से गिरता हुआ ड्रिंक नीचे आ ही गया। अब मैं इसे आखिरकार पी सकता हूँ। ओहो, मेरा ड्रिंक तो एकदम फिजी हो गया। बेचारे डैडी। आप वेंडिंग मशीन से कुछ और क्यों नहीं चुनते? बढ़िया आइडिया है। ओह, वेंडिंग मशीन तो खाली हो गया है। इसलिए क्योंकि हमने सारी चीजें खरीद ली है। आज सभी पेपा के बगीचे में खेल रहे हैं। एमिली एलिफेंट एक बड़े से कीचड़ वाले गड्ढे में फिसल कर गिर जाती है। मॉन्स्टर! नहीं, मॉन्स्टर्स असली नहीं होते। ये एक काटेदार चूहा। कांटेदार चूहा भी कीचड़ में फिसल कर गिर गया। चिंता मत करो, हम तुम्हें बाहर निकालेंगे। कांटेदार चूहा कांटेदार बॉल की तरह हो गया है, पर एडमिन जानता है क्या करना है। हमें किसी बड़े की मदद लेनी होगी, क्योंकि कांटेदार चूहा डर के कटीला हो गया है, तो हमें सावधान रहना होगा। मम्मी पिग, डैडी पिग। मम्मी पिग सबको कीचड़ भरे गड्ढे से निकलने में मदद करने आ गई है, और डैडी पिग कांटेदार चूहे की मदद कर रहे हैं। उनके मोटे दस्ताने उन्हें कांटेदार चूहे की नुकीली पीठ से बचा रहे हैं। आप कांटेदार चूहे को यहाँ रख सकते हैं। यहाँ मोटा सा कंबल है, तो बढ़िया और आरामदायक रहेगा। कंबल। बहुत बढ़िया। अब सावधान रहना, शायद कांटेदार चूहा थोड़ा सा कांटेदार हो। अरे वाह! मैं तुम्हें बुलाऊंगी कटीले। कटीले। डॉक्टर हैमस्टर ये चेक करने आए हैं कि कटीला सुरक्षित और स्वस्थ है। मुझे मदद के लिए बुलाने का फैसला सही था। कटीला घूमकर फिर से बॉल जैसा बन गया। कटीला ऐसा क्यों करता है डॉक्टर हैमस्टर? कांटेदार चूहे डर के मारे बॉल बन जाते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। ओह, तो कटीला डरा हुआ है। यहाँ काफी शोर है ना? अगर हम चुप रहें, तो एक टुकड़ा सेब का कटीले को शांत करने में हमारी मदद कर पाए। पेपा और एमिली एलिफेंट जरूरत से कुछ ज्यादा ही सेब ले आए। हुरे! बस खाना और आराम, और फिर हम कटीले को गार्डन में छोड़ सकते हैं जब सूरज डूबने लगेगा। हम अभी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? कांटेदार चूहों को अंधेरा अच्छा लगता है, जिसका मतलब है उन्हें रात में घूमना और दिन में सोना पसंद है। मुझे सब पता है, मैं कितना स्मार्ट हूँ। अरे माफ करना कटीले। सूरज डूब रहा है, इसका मतलब है कि कटीले के घर वापस जाने का वक्त हो गया है। कांटेदार चूहे कहाँ रहते हैं डॉक्टर हैमस्टर? कहाँ? कांटेदार झाड़ी में। बाय कटीले, हमें जल्दी मिलने आना फिर से। सभी को कटीले के साथ समय बिताकर और उसे सुरक्षित घर जाते देखकर अच्छा लगा। पेट्रोपोनी, कैंडी कैट, मैंडी माउस, जेरल्ड जिराफ और डैनी डॉग फुटबॉल खेल रहे हैं। देखो मम्मी, मेरे दोस्त फुटबॉल खेल रहे हैं। हेलो पापा, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं। सबसे अच्छा स्कोर पाने वाले को ट्रॉफी मिलेगी। वाओ! पापा को चमचमाती हुई ट्रॉफीज पसंद है। पापा, क्या तुम हमारी टीम में आना चाहोगी? नहीं थैंक यू, मैं अकेले ही खेलूंगी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अकेले खेलना चाहिए पापा। पर अकेले खेलूंगी तो ट्रॉफी पूरी मेरी होगी। सारे एक तरफ है और पापा उनसे अकेले खेलने जा रही है। अरे नहीं,
कोशिश थी पापा, एक बार और करो। मुझे और जोर से किक करना चाहिए। लगभग कर ही लिया। बस अब करने ही वाली हो। शायद मेरे दूसरे पैर से हो जाए। तुम्हें अपने बॉल से स्कोर करना है, जूते से नहीं। ये कितना मुश्किल है। तो फिर क्यों ना तुम गोल करो। अच्छा आइडिया है मम्मी, मैं एक शानदार गोल करने वाली बनूंगी। गोल! मम्मी वो गोल कर पा रहे हैं, पर मैं क्यों नहीं? पापा, ऐसा इसलिए क्योंकि फुटबॉल टीम वर्क है। और सबसे पहली बात, अगर तुम्हारे पास टीम ही नहीं तो तुम टीम में खेलोगे कैसे? क्या मैं आप लोगों की टीम में आ सकती हूँ प्लीज? बिल्कुल तुम आ सकती हो, हमारे पास एक शर्ट भी बची है, ये रही तुम्हारे लिए। हुरे! लेकिन गोल के लिए कौन खेलेगा? मैं खेलूंगी, बस कोशिश करके इसे मेरे पास तक लाओ। पेड्रो तुमने गोल कर दिया, तो ये ट्रॉफी तुम्हें मिलती है। ओह, लेकिन हमने एक साथ मिलकर गोल किया है पापा, एक टीम की तरह। सही बात है, ट्रॉफी तुम सबको मिलेगी। पेपा और उसकी फैमिली एरोप्लेन में सफर कर रहे हैं। ये! मुझे एरोप्लेन में उड़ना पसंद है। लेकिन सबको एरोप्लेन में उड़ना पसंद नहीं होता। ओह हेलो मैडम गजेल, जॉर्ज को और मुझे उड़ना पसंद है, क्या आपको भी पसंद है? ओह पेपा, असल में मैं पहले कभी एरोप्लेन में नहीं गई और मुझे डर लग रहा है। ओह, मुझे पता है कि क्या करना है। मिस रैबिट, क्या आप प्लेन को काफी काफी ऊंचाई पे ले जा सकते हैं? जरूर, क्यों नहीं। मैडम गजेल, जब प्लेन ऊपर जाता है तो वाकई मजा आता है। देखिए, हम लगभग स्पेस में हैं। कितनी ऊंचाई पर है, कितनी ऊंचाई पर है। अब हम थोड़ा नीचे जा सकते हैं क्या मिस रैबिट? क्यों नहीं। चलो एक और चक्कर लगा कर देखते हैं। मुझे लगता है कि इससे भी बात नहीं बनी जॉर्ज। देखिए मैडम गजेल, वो बादल चिड़िया जैसा है, देखा आपने? हाँ हाँ, मैंने देखा। और वो एक सुकून देने वाले रेगिस्तानी आइलैंड जैसा लग रहा है। ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं अपनी आंखें बंद रखूंगी और ये सब खत्म हो जाने पर खोलूंगी। अरे बाप रे। हेलो, क्या आप दोनों को एक्टिविटी बुक पसंद है? ये बहुत मजेदार है। ओह हाँ, दीजिए। क्या आप इसमें रंग भरना पसंद करेंगी मैडम गजेल? वैसे ये सही रहेगा, इससे मेरा ध्यान उन चीजों से हट जाएगा। और फिर बाकी बची उड़ान में पेपा, जॉर्ज और मैडम गजेल कुछ सुकून भरे रंगों से रंगने लगे। ये देखो लाइन वर्क, देखो तो ये कितने ध्यान से किया गया है, गजब का है, ए स्टार प्लस देने के लायक। हा?
हम लैंड कर चुके हैं। कर चुके हैं, लेकिन मुझे तो मजा आ रहा था, इसमें तो बिल्कुल डर नहीं लगा। मैंने आपसे कहा था उड़ने में वाकई मजा आता है। मेरी मदद करने के लिए थैंक यू पेपा और जॉर्ज। अब मैं घर के लिए जल्द से जल्द उड़ान भरना चाहती हूँ। आज पेपा और उसका परिवार बतख के तालाब की ओर जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में लोहे का एक बैरियर है। माफ करना दोस्तों, रास्ता बंद है। लेकिन हम लगभग तालाब तक पहुँच ही गए हैं। मुझे डर है यहाँ काफी फिसलन होगी। चमकीले लाल एरो वाले डाइवर्जन साइंस को देखकर चलते जाएं। आप जल्द ही पहुँच जाओगे। डाइवर्जन का मतलब है कि आपको दूसरे रास्ते पर से जाना है। चलो सब चले। जल्दी मिलेंगे बत्तख। ये रहा। पेपा को पहला चमकीला लाल एरो मिल गया है और एक और मिला। और एक और मिला। लेकिन आगे वाला निशान तो नीचे गिरा है। उठ जाओ श्रीमान निशान। किसी को नहीं पता कौन से रास्ते पर जाना है। हम दाएं जाएं या बाएं? लगता है दाएं तरफ जाना ही ठीक है। क्या हम खो गए हैं? हाँ, हम खो ही नहीं हैं। हम बस ये नहीं जानते कि हम कहाँ पर हैं। जब आप नहीं जानते कि आप कहाँ हैं, तो आप शायद खो चुके होते हैं। देखो बतख। हेलो बतख। माफ कीजिए श्रीमती बतख, क्या आप जानती हैं बतख का तालाब कहाँ है? क्या खूब किस्मत की बात है, रास्ता दिखाइए बतख। ये बतख वाली पगडंडी है डैडी, हम सबको बतखों की तरह चलना होगा। हम बतख के तालाब जा रहे हैं हिलडुल के, और हम बतख देखने जा रहे हैं क्वैक क्वैक क्वैक। हम बतख के तालाब जा रहे हैं। आखिर पेपा और उसका परिवार बतखों के तालाब तक पहुंच ही गए। हमने कर दिखाया। ये। आप समय से आ ही गए। मुझे यकीन है कि डाइवर्शन से होकर आने में आप खुश होंगे। हाँ, ये बहुत मजेदार था। और काफी कम फिसलन वाला। कितना पिल पिला है। पेपा और उसका प्ले ग्रुप आज खूब सारे गेम्स खेल रहे हैं। ये जली जैसा लगता है। सही। आहा, ये एक केले जैसा लग रहा है। फिर से सही। टीस भी केले जैसा लग रहा है। तुम्हारी बारी पेड्रो। लेकिन मुझे पिलपिली सी चीजें छूने में अच्छी नहीं लगती। कोई बात नहीं, हमारी पिलपिले चीजें स्वादिष्ट थी। ओह, ये ठंडा है और मेटल से बना है, क्या ये चाबी है? हाँ हाँ, शाबाश पेड्रो। ये हमारे मिस्ट्री बॉक्स की चाबी है, हमें इनाम तक पहुंचने के लिए दो और ढूंढनी होंगी। हम बाकी चाबियां कैसे ढूंढेंगे मैडम गिजेल? बेशक, अपने अगले गेम में। ये पिन्याटा है, इनके अंदर दिलचस्प सरप्राइजेस मिलेंगे। लेकिन ये कैसे करें? तुम्हें ने मार के खोलना है इस नाजुक फोम के बैट से। हुरी।
में बर्फ ही बर्फ है। नहीं, मेरा भी। हुरे! मैंने कर दिया दूसरी चाबी। बस अब एक और चाहिए। मुझे पास्ता पार्सल बहुत पसंद है। मुझे भी। मुझे भी। ओ, मुझे लगा मैं जीत गया। ये गाना तो बहुत ही लंबा है। ये क्या है? ओ, म्यूजिक रुक गया। अब पेपा और उसके दोस्तों को तीनों चाबियां मिल गई है। अब उनके इनाम पाने का समय है। क्रिसमस बिस्किट्स। यम, तुमने कर दिखाया पेपा। तुम सब ने ये मिलकर किया है पेड्रो। हुरे!